तो उस प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि मार्गदर्शन करने वाला कोई ऐसा एक मुझे दिव्य पुत्र दे दो प्रभु, जो आपके गणों में स्थापित हो और किसी साधना से श्रेष्ठ कहलाए जाए। ऐसा उन्होंने भगवान शिवजी से प्रार्थना की। उनके बहुत हजार वर्ष के बाद जब उनकी तपस्या सफलीकृत हुई थी, शिवजी ने कहा कि हाँ, तुम्हें मैं एक दिव्य पुत्र को प्रदान करता हूँ। वह इस गुरु परंपरा को इस संसार में रखेगा और मेरा प्रियतम होगा। उस प्रजापति को जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो धीमा धीमा बढ़ता गया। तो उनके पिताजी प्रजापति ने कहा कि तेरा जन्म शिवजी को गुरु मानकर आगे चलने के लिए हुआ है, शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो तुझे शिवजी का जप करना है। उसने शिवजी का जप आरंभ किया। जब उसका 1 करोड़ जप पूर्ण हुआ तो शिवजी प्रत्यक्ष हुए और कहा कि बोल, तुझे क्या चाहिए। तो बोले, प्रभु मैं तुम्हें तुमसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं और 1 करोड़ जप करूं। शिवजी हंसे, बोले हाँ तथास्तु। फिर 1 करोड़ जप हुआ। बाद में फिर शिवजी प्रत्यक्ष हुए, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे प्रत्यक्ष हुआ हूं। उसने कहा, प्रभु मुझे और 1 करोड़ जप करने की इच्छा है, लालसा है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं और 1 करोड़ शिवजी का आपका मंत्र जप करूं। फिर भी शिवजी ने तथास्तु कहा। जब शिवजी इसी प्रकार तथास्तु कहने लगे तो 3 करोड़ जप पूर्ण हुआ। तो उसने फिर कहा कि प्रभु मैं और 1 करोड़ जप करना चाहता हूं। तब शिवजी ने कहा, अब बस हो गया, क्या तू मुझे अपने में समाहित करना चाहता है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू मेरे साथ रह जा और मेरे गणों में तू श्रेष्ठ गण कहा जाएगा, मेरे जो गणों में तेरी श्रेष्ठ पदवी होगी, और यह बात कहता हूं कि तेरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे कभी बिछड़ कर नहीं रह ना रहूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपसे बिछड़ू नहीं। शिवजी ने कहा कि तू बिछड़ के नहीं रहेगा और कभी भी मेरे पास ही रहेगा, इसलिए तुझे मैं मेरे गणों में शामिल करते हुए मेरा वाहन बना रहा हूं। और उसे नंदी कहा गया, जो आनंद हम कहते हैं उस नंदी के रूप में, उस प्रजापति के पुत्र के रूप में नंदी का आविर्भाव हुआ। और नंदी ने उस दिन कहा कि प्रभु आज से बताओ कि मैं आपकी सेवा किस तरह कर सकूं। शिवजी ने उस दिन उनको कहा कि मैं तुझे मेरे पादुकाओं की पूजन, मेरे चरणों को देखते हुए तू अगर बैठ सकता है तो मैं तुझे वह साधना प्रदान करता हूं। और आदि गुरु शिवजी ने नंदी को यह साधना आज के दिन ही प्रदान की थी।